अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अशासकीय शिक्षण संस्था करेगी राष्ट्रीय जन जागरण शोभा यात्रा का आयोजन। देवास नगर के अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी होंगे शोभा यात्रा में सम्मिलित। वरिष्ठ नागरिक संस्था के सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ के अध्यक्ष राजेश खत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम संपूर्ण विश्व के लिए एक श्रेष्ठ जीवन का आदर्श उदाहरण है। संपूर्ण भारत के प्रत्येक भारतीय के लिए श्री राम और जन्मभूमि अयोध्या का विशेष स्थान है। दिनांक 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। श्री राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र मंदिर के निर्माण की संकल्पना के अद्भुत संयोजन की इस ऐतिहासिक घड़ी के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। देवास नगर की अशासकीय संस्थाओं के विद्यार्थी इस राष्ट्रीय गौरव के विषय को 20 जनवरी शनिवार को शोभा यात्रा के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने के कल्याणकारी कार्य को करने जा रहे हैं। विद्यार्थीगण श्री राम संकीर्तन, भजन एवं रामधुन को गुनगुनाते हुए नगर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण करेंगे। वार्ता को संगठन के सचिव दिनेश मिश्रा, उपाध्यक्ष सैयद मकसूद अली, प्रयास गौतम, आलोक सिंह, सुरेश चौहान ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। यात्रा के सफल संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। मीडिया एवं प्रचार प्रसार समिति के आदित्य दुबे, शकील कादरी, अबरार अहमद शेख ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा में 10,000 विद्यार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य है। विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 7वीं से 12वीं तक विद्यार्थी यात्रा में रहेंगे शामिल। नगर में यात्रा का विभिन्न सामाजिक व अन्य संगठन द्वारा स्वागत किया जाएगा। यात्रा में स्कूली विद्यार्थी रामायण के विभिन्न चरित्रों का रूप धारण किए होंगे। प्रत्येक विद्यालय के स्टाफ के पास आपातकालीन व्यवस्था हेतु सामग्री उपलब्ध होगी। झांकियां, भजन मंडली सभी में विद्यार्थियों की भागीदारी होगी। यात्रा भोपाल चौराहा से प्रारंभ होकर केपी कॉलेज, सोमेश्वर महादेव मंदिर, नयापुरा, जनता बैंक चौराहा, सुभाष चौक, नावेटी चौराहा, तहसील चौराहा होते हुए प्रदर्शनी चौराहा, इंदिरा गांधी प्रतिमा पर समाप्त होगी। रामायण से जुड़ी हुई प्रस्तुतियां ही देना है, ऐसा हमने उसमें करा है। कोशिश करेंगे कि जितने कांड है, बाल कांड और ये सब, इन कांडों से जुड़े हुए पात्रों का वो लोग विद्यालय मंचन करें या केवल पात्रों को दिखाएं, प्रकट करें, ऐसी इसमें कोशिश की जा रही है। शोभा यात्रा पूर्णतः गरिमा में रहने वाली है, जिसमें उद्घोष लगाने का हमारी तरफ से मना किया गया है। केवल भजन गाए जाएंगे, ये हमारी तरफ से कहा गया है। सभी विद्यालय से और कही गई है कि कोई भी विद्यालय अपना बैनर नहीं लगाएगा। मतलब होता है ना, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे विद्यालय का नाम होना चाहिए, पर ये सहर्ष स्वीकार किया गया है कि उनका यूनिफॉर्म वो पहन सकते हैं। संचालक तय करके अपनी कोई यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं, कोई अलग से कुछ देना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर एक रूपता समरूपता उस विद्यालय की होना चाहिए। सर, जिसमें जिले से शिक्षण संस्थाएं शामिल होगी? नहीं, जिले की नहीं, नगर की संस्थाएं ही ये कार्यक्रम कर रही है। जिला हम संभाल नहीं पाएंगे, शहर देवास में जिला बहुत बड़ा है, इतना बड़ा एरिया भी हमारे पास नहीं है देवास। सर, ये संख्या बताइए, 10,000 जी, केवल शहर के ही बच्चे लेंगे? शहर के 5 किलोमीटर रेडियस में अपना नगर निगम क्षेत्र बोल सकते हैं। वो बच्चे क्या भगवान की वेश में दिखेंगे क्या? कुछ छात्र, सब नहीं, कुछ एक विद्यालय एक या दो जाएंगे, क्योंकि जब हमने संख्या दी थी आपको वो भी क्लियर करते हैं। यात्रा है और क्या उद्देश्य यात्रा का? कहने का राम जन्मभूमि पर जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें पूरे देश, पूरे विश्व के लोग कहीं ना कहीं भाग ले रहे हैं। इस पिछले शनिवार को हमको लगा कि इतने अच्छे यज्ञ में हम लोगों को भी कोई आहुति देना चाहिए। हमारी टोली शनिवार को बैठी थी और उन्होंने सोचा क्या क्या काम हो सकते हैं, तो जैसे टोली विचार करती है, कई प्रकार के कार्यक्रम बताए गए सभी संचालकों के द्वारा, उनमें से एक जन जागरण यात्रा, क्योंकि अभी जो काम हो रहा है, जैसे आप सुबह प्रभात फेरी निकलती है, मैंने कई लोगों को देखा कि वो ऐसा हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, शामिल होते या नहीं होते हैं, पर उनकी भावनाएं उसके साथ हैं। तो हमने सोचा कि ऐसी एक जन जागरण यात्रा अपने विद्यार्थियों के द्वारा करवाई जाए, और इसके पीछे दूसरा हेतु है कि जो विद्यार्थी है वो इस घटना को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वो भी राम जी के इस मंदिर के निर्माण के अंदर अपने माध्यम से उन्होंने एक रैली निकाली है,
एक शोभा यात्रा निकाली और जन जागरण किया है। ये हालांकि ये सब चीज़ें जब परसों शनिवार को ये यात्रा निकलेगी उसके बाद आपको इसके बारे में और हमने जो कल्पना की है शायद वो नीचे तक उतरेगी तो और अच्छा प्रतिसाद हम सबको मिलने वाला है। सर कितने स्कूल इसमें संचालित हैं, मतलब कितने स्कूल शामिल है इसमें, क्या शामिल कितने स्कूल है इसमें? अभी तक हमारे पास 80 विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है पर ये संख्या रोज बढ़ रही है। अभी कल हमने कोई सी संख्या नहीं ली है, आज पुनः संख्या लेने वाले हैं। मुझे लगता है ये 100-125 से ऊपर तक बढ़ जाएगी क्योंकि ये फ्री फॉर ऑल है। सभी हमारे संगठन के विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे, हमारे संगठन में जो नहीं है और विद्यालय संचालन करते हैं उन तक भी हमने सूचनाएं पहुंचाई हैं। तो ऐसे सारे विद्यालय जो इस यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं उन सबको हमने आमंत्रित किया, वो सब आए और सुबह 11 बजे ये यात्रा भोपाल चौराहे से प्रारंभ होगी। हमने इसमें 10 विद्यार्थियों को वहाँ आमंत्रित किया है, एकत्रित किया है, वो एकत्रित होंगे और 11 बजे यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। सर इस जन जागरण यात्रा में कितने बच्चे शामिल होंगे? मेरा मानना है कि 10,000 प्लस माइनस रहने वाला है इसमें, क्योंकि संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। पहले हमारा 5,000 था, फिर 7,000 हुआ है, 8,000 शायद आज हो गया है और कल और आज की संख्या जो बढ़ेगी वो और इसमें बढ़ने वाली है। दूसरा इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि हमने अभिभावकों को भी बुलाया है, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सारे देवास नगर के संगठन जो चलते हैं उन संगठनों को भी हम आह्वान कर रहे हैं कि वो भी बच्चों की हौसला अफजाई करें। अभिभावकों को भी हम कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे से जब तक रैली चलती तब तक वो भोपाल चौराहे से सयाजी द्वार तक उपस्थित होकर अपने इन छात्रों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, सबको स्वागत करके उनको अप्रिशिएट करें। तो मुझे लगता है जब अभिभावक समाज पूरा आ जाएगा तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है और जैसा राम जी का काम है वैसा ये मर्यादा में रह के काम करना है हमको। तो अपील की जा रही है सभी से शामिल हो और अच्छे ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराएं। सर आपका नाम और पद? मैं राजेश खत्री, अध्यक्ष अशासकीय शिक्षण संस्था संघ देवास।